आपके यहाँ शहर लाहौर की एक खूबसूरत शाम और हम हैं मैच नंबर 22 में अलमजर डेवलपर्स घनी रमजान टूर्नामेंट की और ये मैच खेला जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुकाबला किंग्समैन घनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। जी हाँ, खबर ये रही कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों पर नजर डालते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बड़े नाम नहीं है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड और स्किलफुल यंगस्टर्स भरी हुई है टीम है। सफीर आजम पर नजर रखिएगा, बाबर आजम के छोटे भाई हैं। शाहरुख डार ने एक अच्छी इनिंग खेली। उमर कयानी भी धुआंधार बैटिंग के लिए माने जाते हैं। फैजान रियाज, रोहेल नजीर, असद आफरीदी, सलमान मिर्जा। दूसरी जानब किंग्समैन में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। जो स्टार्स आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ये सारे प्लेयर्स खेल चुके हैं, जिसमें अनवर अली, शर्जील खान, खुर्रम मंजूर, दानिश अजीज, खुशदिल शाह और वकास मकसूद। लेकिन अगर इनके बाकी प्लेयर्स पे भी नजर डाली जाए, अमाद आलम ने बहुत प्रॉमिस शो किया है। इनके साथ साथ आदिल अमीन भी बहुत टैलेंटेड हैं। राम रवि एक नए उभरते हुए विकेट कीपर है, इन पर भी नजर रखनी होगी। पहले जो मैचेस से हर बार 200 से ज्यादा की इनिंग्स देखी गई, टाइम किया, ज्यादा जोर से हिट करने के लिए नहीं जाते हैं, ऑफ साइड में टाइम करते हैं, लेग साइड में पूरी कुवत सर्व करते हैं। उमर कयानी खासा पीछे खड़े हुए हैं, स्लिप उसके अलावा है, उठाकर खेल दिया, यहां पर आउट होना चाहिए क्योंकि कोई मुश्किल पेश नहीं आई। शर्जील खान को ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा, मिड ऑफ पर अनवर का तजुर्बा काम आया। अनवर अली बहुत तजुर्बेकार हैं, स्लोअर वन किया, कटर किया, दूर किया बॉल और ऐसे जैसे प्री प्लान्ड हिट मारने चले गए, जैसे जेन में सोचा हुआ था कि जहां भी बॉल होगी मैं बड़ी हिट मारूंगा। टैलेंट है, स्किल है, थोड़ा दिमाग भी चाहिए। पहले बॉल पे वापस जाएंगे, एक पर एक। राशिद रियाज यहां बॉल नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये जोन है इनकी, ये एरिया है इनका, ये बॉल ये ढूंढते हैं टांग पे। बहुत जोर से शॉट खेलने के लिए गए रोहेल नजीर और नहीं रोक सके। अच्छा पिकअप शॉट है, फील्डर मौजूद है वहां पे, ओ शानदार कैच है ये, बहुत ही बेहतरीन कैच लेकर रोहेल नजीर की इनिंग का इख्तिताम किया यहां पे। ये आप देख सकते हैं ये कटर था और ऐसे में ये दोरी मुश्किल हो जाती है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि रफ्तार चाहिए होती है इस इलाके में गेंद को पार पहुंचाने के लिए। रोहेल नजीर छह से आगे नहीं जा सके, एक और मौका उन्होंने गवाया 14/2। ऐसे में विकेट दे गए, मिस फील्डिंग, इस बार रन होंगे, गेंद खासी तेज जाएगी और ये चार शुमार हुए। ये अच्छा शॉट लगाया, इस बार रूम क्रिएट किया और गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। उठाकर खेल गए और ये विकेट आएगी। अनवर अली गेंद के नीचे पहुंच गए, वकास मकसूद जो कि ज्यादा रफ्तार के आप बॉलर नहीं रहे। कि जब उमर को पेस नहीं मिलेगी तो जैसे आपने कहा वो पेस खुद जनरेट करेंगे और आदत नहीं है इस चीज की। दूर बॉल किया और फ्लो में ही खेलते चले गए। एक इंपॉर्टेंट विकेट, 12 रन बनाकर उमर कयानी वापस जाएंगे 25/3। ज्यादा लूप के साथ आते नहीं है लेग स्पिनर और उसी पर विकेट मिल गई, फ्लैट डिलीवरी, इससे पुल करने के लिए गए सफीर लेकिन अपनी स्टंप से हाथ धो बैठे। तेज पेस से बॉल कीजिए और यही हुआ है, बॉल थोड़ा नीचे भी रहा है, जज नहीं कर पाए लेंथ को, डिसअपॉइंटेड होंगे सफीर आजम। 27 रन पे तीसरी विकेट गिरी है, इनफैक्ट चौथी विकेट गिरी है। 4 रन हासिल होंगे, वाइड बॉल और खासा शॉट था, कंट्रोल्ड नहीं था शॉट लेकिन इतना बल्ला लग गया है कि गेंद पार कर जाएगी। प्रोलिफिक रन स्कोरर रहे हैं अब दी ऑर्डर, बाहर से खेलने की कोशिश की, फील्डर गेंद के नीचे आए और कैच मुकम्मल कर लिया। वलीद ने दूसरी कामयाबी हासिल की है, बैट्समैन की रीच से दूर गेंद करने की कोशिश की थी। सही लग रहा है, यहाँ छुपा हुआ था पैर लेकिन सही है, रेगुलेशन शॉर्ट थर्ड पे कैच और इसको पकड़ने में गलती नहीं की और इस तरह से पांचवी विकेट जो है वो डगआउट की तरफ गामजन।
और इस तरह से स्कोर जो है वो पहुंच गया 56, 5 खिलाड़ी आउट। 10 ओवर दो गेंदों के बाद तो फिर वो जो T20 है उसकी रौनक जो है वो थोड़ी मान पड़ जाती है। इस गेंद को अच्छे तरीके से स्वीप किया है और 4 रन हासिल किया असद ने। तो इस चौके के साथ आदिल अमीन अब ऑफ स्पिन करेंगे और हमलावर हुए। खासे लंबे कद के हैं मुनीब वासिफ, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अलीम डार PNT की तरफ से खेलते थे तो ये क्लब्स ने अंपायर्स भी ग्रूम किया। तो इस दौरान ये अच्छी ड्राइव है 4 रन के लिए, बिल्कुल जमीन के साथ लगता हुआ ये स्ट्रोक सीधा कवर बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। अच्छी कट है लेकिन नहीं, सीधी पॉइंट पर गई। अब ये एक चाल थी बॉलर की के गेंद को जरा शॉर्ट किया जाए और चेक किया जाए मुनीब को, और ये एक धचका है। यहाँ पर दानिशा तौर पर आदिल अमीन, यही वजह है कि शॉट में ज्यादा ताकत रही नहीं मुनीब वासिफ के। 34 रन उन्होंने बनाए। अच्छा पुल शॉट, ये इलाका सरासर खाली था। कदमों का इस्तेमाल किया है, ये ऊंचा स्ट्रोक है, इसमें कुवत है, देखना होगा कहां जाती है गेंद। सीधी दर्शकों के झुंड में बोल्ड कर दिया आमिर खान। ये बड़ी तेज गेंद थी, जितनी देर में बैट्समैन का बल्ला गेंद के करीब आता गेंद अपना काम तमाम कर गई। स्पीड से गेंदे करते हैं आमिर खान, बैट उठाया, अपनी टांग को भी क्रॉस किया था सलमान मिर्जा ने, लेकिन बहुत देर हो गई इन्हें। अभी स्कोर 2 हिंसों में है, सलमान 0 पर वापस जाएंगे और 7वां नुकसान उठाना पड़ गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। गेंद फील्डर से थोड़ा सा दूर था, अभी हम बाउंड्रीज की बात कर रहे थे तो आखिरकार हमजा ताहिर ने ये जमूद तोड़ा है। एक्सपीरियंस की कमी है, 2-3 मैचेस ऐसे हैं जहां ये जीतते जीतते हार गए और यहां पर हमजा अपनी विकेट हार गए हैं। अनवर अली को एक और कामयाबी मिली, खुर्रम मंजूर ने एक और कैच पकड़ा। हिट आउट करने जाएं, ये लीगल डिलीवरी होगी, बल्ला चलाया जरूर लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट हरगिज ठीक नहीं थी। मुजम्मत का खात्मा हुआ हमजा की, 9 रन बना पाए 117 पर 8। ये शॉट था जोरदार था, 4 रन मिलेंगे, शर्जील नहीं पहुंच पाएंगे इस गेंद पर। इस दफा रिवर्स करना चाहते थे, बिल्कुल विकेटों के सामने इस गेंद को अपने पैड पर खाया और अंपायर अलीम डार ने उंगली खड़ी कर दी हवा में। 9वां नुकसान, असद अफरीदी 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस और जिसकी वजह से ये बैटिंग कार्ड हमारे सामने आया है। पहले 4 बल्लेबाज मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, फैजान रियाज ने भी ज्यादा रन नहीं बनाए, मुनीब वासिफ और असद अफरीदी ने 30 के पेटे में स्कोर किया और सिर्फ 127 रन ही कर सकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम। बॉलिंग नहायत शानदार रही, इस तरह का बॉलिंग कार्ड हमें कम कम देखने को मिला है GRT 2024 में। अनवर अली ने सबसे ज्यादा 3 विकेटें हासिल की, वलीद अजीम और आमिर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि विकास मकसूद और आदिल अमीन के हिस्से में भी 1 विकेट आई। कराची के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल किंग्समैन को 128 रन बनाने हैं 20 ओवर में सिर्फ 6.4 के रन रेट के साथ। पहली गेंद अच्छा गेंद था, खड़े खड़े खेलना चाहते थे शर्जील और ये गेंद स्लिप के एरिया से जाएगी, आउटफील्ड बहुत तेज है। इस दफा थोड़ी सी विट मिली, ड्राइव किया शर्जील ने। और इस दफा ऑन साइड का इंतखाब किया शर्जील ने, ये आगे गिरा हुआ गेंद था। आइडिया है इस विकेट का, इन कंडीशंस का। इस दफा उठाया लेकिन टाइमिंग नहीं थी और यहां पर आखिरकार 3 चौके देने के बाद इमरान खान सीनियर ने यह मुकाबला जीत लिया है। सफीर आजम ने कैच पकड़ा
और पहली विकेट दिलवाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। बिल्कुल भी आगे नहीं निकले इस लाइन से, और ये आप देखें बल्ले पे आया नहीं, टाइमिंग नहीं हुई, सफीर आजम ने कैच किया और आखिर में तीन चौके खाने के बाद इमरान खान सीनियर ने चलता किया शर्जील को 12-1 पहले ओवर में। अच्छा इस्तेमाल कलाइयों का और चार हासिल किए, इसकी बात हम कर रहे हैं। इस आगे गिरा हुआ गेंद, इसको भी प्लेस किया, पॉइंट के फील्डर सिर्फ देखते ही रह गए। इमरान खान ने ओवर लेकर आए हैं, पीछे गए खुर्रम मंजूर और इस दफा ऑन साइड पर स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए रवाना कर दिया। इस दफा रूम बनाया, ऑफ साइड पर शॉट खेला, इस शॉट में भी अगर अच्छा टाइमिंग नहीं थी। इस दफा स्लैश किया खुर्रम ने और ये भी रन मिलेंगे 4। और ये गेंद हवा में, रुहेल नजीर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया सलमान मिर्जा की, ये गेंद पड़ने के बाद बाहर जा रही थी क्योंकि गेंद मारने वाला था, लेकिन बहुत अच्छा कैच लिया, सही टाइमिंग के साथ डाइव की और जो जंप लगाई उन्होंने उससे कैच करने में कामयाब हुए। तो सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग करते हुए उन्होंने भी एक कामयाबी दिला दी है, रन कम दिए हैं 38-2, इनसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है, लेकिन कीपिंग अच्छी अच्छी की है, अच्छा कैच लिया अभी तक, एलिवेट किया जानबूझ के, इसको कह सकते हैं कि ये कोई एज वेज नहीं है। इस बार फिर खेला इसे, ये ठीक एज है, एक टिप्पा लगने के बाद गेंद ऑफ साइड पर पॉइंट बाउंड्री के बाहर चले गई। इस बार पीछे हटे खुर्रम, कट किया और ये गेंद भी चले जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और इस चौके के साथ 50 रन भी किंग्समैन के मुकम्मल हुए। आदिल अमीन ने भी कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन इस दफा ऑफ साइड पर ये शॉट खेला, इसे उठाकर खेल दिया इस बार डीप पॉइंट की जाने 4 रन के लिए। पिक कर दिया इस गेंद को ऑन साइड में और गेंद फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरेगी। नॉक ऑल में गेंद, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, ये इन स्विंगिंग यॉर्कर था और बड़ी कामयाबी दिलाई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सलमान मिर्जा ने। आदिल अमीन को जाना पड़ा, यकीनी तौर पर ये लेग स्टंप से जरूर टकराती अगर ये बूट आड़े नहीं आता। इसमें अच्छी बैटिंग की आदिल अमीन ने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले, उनने बनाए 27। हो सकता है कोचिंग से वाबस्ता हो जाए ये तारिक भाई, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है लेकिन ये बड़ी उम्दा शॉट थी, उसको टाइम बहुत जबरदस्त किया 4 रन के लिए। ये कट कर दिया इस बार बैकफुट पर जाकर, रफ्तार ज्यादा नहीं थी, जहां आज काफी नए चेहरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, और ये ले गए विकेट हमजा ताहिर, गेंद उनकी नीचे रही, खुर्रम मंजूर ज्यादा जल्दी बाहर आ गए थे क्रीज से निकलने की, उनकी टाइमिंग सही नहीं रही, कम रफ्तार की तवक्को नहीं कर रहे थे खुर्रम मंजूर, उनकी तवक्को के मुताबिक गेंद ने बाउंस भी नहीं किया। 26 रन किए हैं 21 गेंदों पर खुर्रम मंजूर ने 91-4। चार रन हासिल हो जाएंगे एक टप्पे के बाद, गेंद चला गया, ऊंचा शॉट खेला है खुशदिल शाह ने, इसको लॉन्च कर दिया, बड़ा छक्का लगाया है, ये जो बड़ी सी जाली की दीवार है इसके भी ऊपर से गेंद बाहर चली गई है पड़ोसियों में। एक बार फिर लेंथ से चूक रहे हैं, फिर बाहर फेंक दी बॉल, खर्चा बढ़ता जा रहा है बॉल। इस बार दानिश अजीज ने सोचा कि मैं भी जौहर दिखाऊं, चांस था 2000 जीतने का, मिस कर गए क्राउड में। एक बड़ी हिट दूर और इस बार एक टप्पा लगेगा और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, बड़ा शॉट छक्के के साथ खेल को सील किया अपने हक में, किंग्समैन ने 133 बना डाले 12.3 ओवर में, जिसमें दानिश अजीज 34, 3 चौके 2 छक्कों के साथ और खुशदिल शाह 23, 12 गेंदों पे 1 चौका और 2 छक्के।
डिसअपॉइंटेड होंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और सही होंगे क्योंकि जब आप 127 रन बनाते हैं तो ज्यादा कुछ रह नहीं जाता उस मैच में आपके लिए। 133 से चार खिलाड़ी आउट, दानिश अजीज और खोशदिल शाह नॉट आउट रहे 34 और 23 पे रिस्पेक्टली, और 13वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। दो विकेट सलमान ने ली 29 रन देके, एक को इमरान सीनियर ने आउट किया और एक को हमजा। मैच समरी पे नजर डालते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कप्तान मुनीब वासिफ ने ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 20 ओवर्स में 127 रन बनाए, 9 विकेट गवा के असद हाई स्कोर रहे 38 रन बनाकर। मुनीब ने 34 रन बनाए, बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। कप्तान अनवर अली ने 3 विकेट हासिल किए, वलीद और आमिर ने 2-2, और जवाब में किंग्समैन ने बआसानी ये टोटल 112.3 ओवर्स में चेस कर लिया। दानिश अजीज नॉट आउट रहे 34 रन बनाकर, आदिल अमीन ने 27, खुरम ने 26 रन बनाए, सलमान मिर्जा 2 विकेट हासिल कर सके, हमजा और इमरान ने 1-1 विकेट हासिल किया, और एंड पे किंग्समैन ने ये मैच 6 विकेट से अपने नाम किया।